लोकतांत्रिक देशों की खूबसूरती क्या है, हमारे देश की क्या खूबसूरती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलवाने वाला देश भारत, उसकी खूबसूरती क्या है? यही ना कि हम अपने नेता को खुद चुनते हैं, हमारा लीडर कौन है इसको इसका डिसाइड हम खुद करते हैं, अपने मत के अधिकार से, अपने मत से चुनते हैं कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा। अगर कोई सरकार से परेशान होता है, सरकार की नीतियों से परेशान होता है, सरकार की तमाम वो चीजों से परेशान होता है, तब वो किसी और नेता को चुनता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही लोकतांत्रिक देशों की खूबसूरती में से एक खूबसूरती है, जो कि हम अपने नेता को चुनते हैं। अगर हम अपने नेता को बिठाते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो नेता भी जनता का भरोसा जीते, ना कि जनता का भरोसा तोड़ कर रख दे। दोस्तों, 7 तारीख को दिल्ली के एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें ये भी कहा गया और एक तरीके से ये भी देखा गया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों से मुंह मोड़ा, तो मुसलमानों ने भी अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया। उन तमाम सीटों से मुसलमानों ने ज्यादातर, जी हाँ, ज्यादातर मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट नहीं किया, अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं दिया और वो कांग्रेस के साथ चले गए। एमसीडी इलेक्शन की अगर रिजल्ट उठाकर देखे तो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में यही हुआ कि वो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आए। अरविंद केजरीवाल ने जो है मुसलमानों के लिए एक शब्द नहीं बोला, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो या फिर जाफराबाद का मामला हो, अरविंद केजरीवाल चुप रहे। इनफैक्ट जमात का जो टाइम था, जो कोरोना का मामला था, तो जमातियों के लिए अलग से लिस्ट निकालकर वो बता रहे थे कि जमातियों की वजह से कितना कोरोना फैला। तो ये अरविंद केजरीवाल की छवि पर एक बड़ा दाग लगा कि वो मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान भी दिया था कि मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की राजनीति करूंगा। तो इसी को देखते हुए मुसलमानों का दिल जो है उनसे मायल हुआ और वो अपने दूसरे नेताओं की तरफ बढ़ते गए। तो कल क्या हुआ दोस्तों कि कल दो पार्षद जो हैं कांग्रेस के, जिसको मुसलमानों ने चुना था, जिसको मुसलमानों ने अपना मत दिया था, वो दो नेता जो है, दो पार्षद जो हैं, वो आम आदमी पार्टी से जा मिले, जिसका विरोध आधी रात को सड़कों पर देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, कल आधी रात को जबरदस्त तरीके से उन इलाकों में लोगों का हुजूम निकल आया, पुतला, बैनर, पोस्टर सब लेकर निकल गए कि हमने आपको सिर्फ इसलिए वोट दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, हमने आपको इसलिए चुना था कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर नहीं बोलते हैं, हमने इसलिए नहीं चुना था कि आप जनता के साथ गद्दारी करें और जनता आपको ऐसे ही छोड़ देगी। और यही तस्वीर जो है इस वक्त हर तरफ छाई हुई है, सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के तीसरे दिन कांग्रेस को जो है, इस कांग्रेस के दो पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी में चले गए, कांग्रेस को छोड़ दिया, और इन दो नेताओं को की वजह से आम जनता जो है वो काफी गुस्से में आ गई। और गुस्सा इस कदर दोस्तों कि आप इस वीडियो के अंदर देखिए, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, मुस्तफाबाद के लोग सड़कों पर उतर आए, वही मुस्तफाबाद जहां पर दंगा हुआ था, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी, और उसी मुस्तफाबाद के लोगों ने कांग्रेस को जो है वोट दिया था। और वहां पर जब ये मुस्तफाबाद के जो पार्षद है वो आम आदमी पार्टी में चले गए, उनके साथ हाथ मिला लिया, उनको जो है अपना समर्थन दे दिया, उसके बाद आधी रात में सड़क पर उतर गए लोग। और यही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने नेता को चुनते हैं तो आपका विश्वास होता है अपने नेता पर, और जब नेता विश्वासघात करे, नेता गद्दारी करे, तो फिर अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी हो जाता है, जो कि यहां पर उठाया गया। तो सबसे पहले वसीम अकरम त्यागी जो है वो इस खबर को लेकर ट्वीट कर रहे और बता रहे कि मुस्तफाबाद के लोग दंगों के दौरान केजरीवाल की चुप्पी और बीजेपी की नफरत की राजनीति के खिलाफ थे, उन्होंने इस क्षेत्र से कांग्रेस के दो पार्षद को जिताए थे, लेकिन दोनों पार्षद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ आप में शामिल हो गए। अब जनता का गुस्सा देखें कि किस तरीके से जनता उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर जबरदस्त तरीके का जो है नारा लगा रही है और अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। आगे फिर से वसीम अकरम त्यागी ने एक और ट्वीट किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस को टैग करते हुए और लिखा है कि 7 दिसंबर को सवीला बेगम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली के मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 से एमसीडी का चुनाव जीता था, और
चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई है, इन्हें जनता ने और बीजेपी और आप तथा दिल्ली दंगों के विरोध में जो जिताया था, अब जनता नाराज है। सबीला बेगम के पति का पुतला जो है वहां की लोग दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुस्तफाबाद के वार्ड नंबर 243 से जो जनता ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल करवाया था, उनके खिलाफ बड़ा सा पुतला लेकर हाथों में चलते हुए नजर आ रहे हैं और पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं कि हम इसका पुतला दहन करेंगे। अब हम जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इसलिए चुना था कि आप हमारी मदद करेंगे, ना कि आप चंद रुपयों के वजह से, चंद पैसों की वजह से किसी और के पास जाकर मिल जाइएगा। हमारा सिर्फ एक ही वजह था, अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाना, अरविंद केजरीवाल को बताना कि आप मुसलमानों के साथ नहीं है तो मुसलमान भी आपके साथ नहीं है। लेकिन यहां पर जो चीजें नेता और पार्षदों की गद्दारी हुई उसको लेकर तमाम लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। आगे एक और ट्वीट है दोस्तों, तनवीर शेख, उन्होंने भी ये वीडियो को ट्वीट किया है और काफी भीड़, काफी हुजूम जो है वो नजर आ रहा है। और वो लिख रहे हैं तनवीर शेख कि मुस्तफाबाद दिल्ली में कांग्रेस के वोटर के अंदर आक्रोश, गद्दार ने गद्दारी कर ली, कांग्रेस का वोट लिया, आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, उनके घर के सामने कांग्रेस के वोटर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनका गुस्सा जो है शांत नहीं हो रहा है और वो पूरी तरीके से हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। शांतनु नाम के यूजर है, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस वर्कर्स रीच्ड एट होम ऑफ टेरिटेरर अली मेहंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रोटेस्टिंग ही ज्वाइंड आप अर्ली टुडे, इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, इस वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए हैं। सैयद फरमान अहमद ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और कहा है कि किस तरीके से गुस्सा जो है यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का नजर आ रहा है और वो इन लोगों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आगे अजय माकन जो है कांग्रेस के नेता प्रवक्ता, वो भी इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अली भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपके किस रूप को असली समझे, आपके दफ्तर की या इस जलसे की जहां आपके खिलाफ बोलकर चुनाव जीता। राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते, हमेशा पार्टी में हमारी इच्छा पूरी नहीं होती पर पार्टी और विचारधारा सर्वोपरि है, ऐसा क्यों करा, समझ से परे है। इनका एक वीडियो है जो 29 तारीख का है, 29 नवंबर का, जी हाँ, जब इन्होंने जाफराबाद के लोगों से वोट मांगा था तब ये याद दिला रहे थे कि कैसे जो है, इन्हीं का ट्वीट है अली मेहंदी का कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछती है कि अरविंद केजरीवाल जी जब दंगा हो रहा था तो आप खामोश थे पर जब मौलाना साद और मरकज पर FIR करानी थी तो बड़ी एनर्जी आ गई थी, कैसे जवाब दीजिए। ऐसे ही जनता से वोट लिया था कांग्रेस के नाम पर और जब ये जीत गए तो फिर इन्होंने गद्दारी कर दी। इसको लेकर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के जो नेता हैं अजय माकन, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप किस तरह से लोगों के यकीन को छलते हुए नजर आए हैं जिसका गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। दोस्तों आज जिस तरीके की राजनीति हो गई है उससे यही लगता है कि अब राजनीति में ना कुछ बचा नहीं है, अब राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लालच बचा है, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि जनता के भरोसे, जनता के वोट को एक सेकंड नहीं लग रहा है नेताओं को खत्म करने में। अब ऐसा हो गया है जिधर पैसा उधर नेता घूर गए, जिधर पैसा उधर नेता घूम गए, लालच इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये जनता का क्या उपकार करेंगे, जनता का क्या भला करेंगे, जो जनता इनको चुनकर सत्ता देती है, जो जनता इनको चुनकर गद्दी देती है और वो इस गद्दी का किस तरीके से मिसयूज करते हैं ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी 3 दिन नहीं हुआ, अभी कांग्रेस का जो सपोर्ट और कांग्रेस के वजह से जो वोट मिली उसको ये अभी जनता तक सही से काम भी नहीं कर पाए, अभी इनका पूरा कार्यकाल बाकी था लेकिन ये आम आदमी पार्टी में जाकर मिल गए, तो ऐसे में तमाम सवाल तो उठेंगे ही, जनता का गुस्सा लाजिम है और क्यों ना हो। जब दंगा हुआ था, जब मुसलमानों को अलग कैटेगरी में रख दिया गया था तो ये अरविंद केजरीवाल चुप थे, इनको बोलना चाहिए था ना, मुसलमानों का वोट प्यारा है लेकिन मुसलमानों के लिए बोलना इनको गवारा नहीं है। ये तमाम चीजें दोस्तों सुबह से ही सोशल मीडिया पर तैर रहा है, हालांकि ये वीडियो रात का है, आधी रात में तमाम लोग जो है हुजूम बनाकर उतर गए सड़कों पर और गुस्सा इनका साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।